आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से भी जानते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग स्टेशनरी चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं, मतलब इसमें चार्ज जो होगा वो हमेशा रेस्ट पर रहेगा। अगर बाई चांस कभी मूव कर रहा हो तो उसको स्लोली मूव कराया जाता है, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो नेग्लिजिबल रखी जाती है। ठीक, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैंने पहले भी जैसा कि बताया था कि चूंकि हम लोग बोर्ड प्रिपरेशन के लिए ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो मैं लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो टेक्निकल टर्म्स हैं, उनको मैंने पहले लिख दिया है और मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा। वैसे भी ये सारी चीज़ें जो है आपको एनसीईआरटी में हर जगह मिल जाती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इनको समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज के डिफिनीशन से, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो बेसिक डिफिनीशन है वो ये होता है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स, है ना। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है, वो भी चार्ज की वजह से होता है। साथ में जो चार्जेज होते हैं वो इलेक्ट्रिक फोर्स को भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं और मैग्नेटिक फोर्स को भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, है ना। तो चार्ज मतलब कि मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, या कहें कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, दोनों को एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक डिफिनीशन हो गया। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, ये पॉइंट है चार्ज एंड मैटर। आपने ध्यान दिया होगा कि चार्ज और मटेरियल दोनों के बीच में एक खास रिलेशन होता है। हर मटेरियल जो होता है वो एटम से बना होता है। एटम के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन तो खैर न्यूट्रल होता है, लेकिन प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। फिर भी हम हर मटेरियल को या हर ऑब्जेक्ट को चार्ज्ड बॉडी नहीं कहते। क्यों? क्योंकि हर ऑब्जेक्ट और हर बॉडी जो है वो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस नहीं करता या एक्सपीरियंस नहीं करता, है ना। जो चार्ज का जो डिफिनीशन है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करना चाहिए और एक्सपीरियंस करना चाहिए, तभी चार्ज कहेंगे, है ना। तो हर ऑब्जेक्ट जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनमें क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेज बराबर हो जाते हैं। मतलब जितने प्रोटॉन हो गए उतने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो दोनों चार्ज मिलाकर के जीरो हो गया, तो कहेंगे कि उस पर टोटल चार्ज जो है जीरो है, इसलिए वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को ना प्रोड्यूस कर सकता है ना उनको एक्सपीरियंस कर सकता है, है ना। तो इसलिए जो है हम लोग उनको चार्ज्ड बॉडी नहीं कहते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा बॉडी है जिस पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेज बराबर नहीं है, मतलब कि चार्जेज जो है वो अनबैलेंस्ड है, हो सकता है पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो निगेटिव चार्ज कम हो, या हो सकता है निगेटिव चार्ज ज्यादा हो पॉजिटिव चार्ज टोटल जो है वो कम हो, है ना। तो उस कंडीशन में वो जो बॉडी है चार्ज बॉडी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि तब वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को प्रोड्यूस भी कर पाएगा और इनको एक्सपीरियंस भी कर पाएगा, है ना। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एक ग्लास रॉड है, उसको एक सिल्क क्लॉथ पर रगड़ते हैं उसको, है ना। तो रगड़ने से होता क्या है कि जो ग्लास रॉड है उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एफिनिटी होती है, टेंडेंसी होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर देता है। जो सिल्क होता है उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एफिनिटी होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, ग्लास रॉड और सिल्क दोनों पहले न्यूट्रल थे, यानी दोनों के अंदर पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज बराबर थे, लेकिन रगड़ने से क्या हुआ कि ग्लास रॉड में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल करके सिल्क क्लॉथ में चले गए। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लास रॉड के अंदर पहले पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस बराबर थे, तो इलेक्ट्रॉन के जाने से अब यहां पर निगेटिव चार्ज कम हो गया, या कहें कि पॉजिटिव चार्ज अब ज्यादा हो गया, इसलिए जो ग्लास रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गया, है ना। अब उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। सिल्क जो है, जो सिल्क क्लॉथ है,
उसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया, पहले वो भी न्यूट्रल था, पहले उस पर भी पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्जेस बराबर थे, लेकिन अब उस पर कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी इसके अंदर अब निगेटिव चार्जेस ज्यादा हैं और पॉजिटिव चार्जेस कम हैं, है ना। तो अब कह सकते हैं कि जो सिल्क क्लॉथ है ये अब निगेटिवली चार्ज है, यानी इस पर निगेटिव चार्ज अब आ चुका है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने डिफिनेशन के हिसाब से बताया कि अब जो है ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को प्रोड्यूस भी कर सकते हैं और अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए कह सकते हैं कि अब इन पर चार्ज आ गया है, ये दोनों चार्ज बॉडी हैं। चार्जेस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज, सिर्फ दो टाइप के चार्जेज होते हैं। तो चार्ज किसी बॉडी पर किस तरीके से लाया जा सकता है उसके लिए अपने पास कई सारे मेथड्स हैं, है ना। तो हम देखेंगे वन बाय वन कि कितने सारे तरीके से किसी बॉडी पर चार्ज लाया जा सकता है। जैसे पहला जो मेथड मैंने बताया है वो ये है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अभी मैंने सिंपल सा एग्जांपल दिया ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ वाला, तो उसमें हमने उसको दोनों को एक दूसरे को साथ में रगड़ा है। रगड़ने का मतलब है कि जो फ्रिक्शन है वहां पर, उस फ्रिक्शन की वजह से एक में से इलेक्ट्रॉन निकला और दूसरे में चला गया, और इस तरह से दोनों बॉडी जो है वो चार्ज बॉडी हो गए। तो इस टाइप से अगर किसी बॉडी पर चार्ज लाया जाता है रगड़ करके, अगर किसी बॉडी पर चार्ज लाया जाता है फ्रिक्शन की वजह से किसी बॉडी पर चार्ज लाया जा सकता है, तो कहते हैं कि जो है चार्जिंग ऑफ द बॉडी बाय फ्रिक्शन, ये एक तरीका हो गया किसी बॉडी को चार्ज करने का। दूसरा तरीका है चार्जिंग बाय इंडक्शन, है ना। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब हुआ, जैसे इंडक्शन का मतलब तो ये होता है कि किसी ऑब्जेक्ट पर जितने भी चार्जेज रखे हुए हैं, पहले से चार्जेज हैं उस पर, अब बाहर के फील्ड के कारण से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वजह से चार्जेज जो है अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इंडक्शन। तो मैं थोड़ा फिगर से समझाना चाहता हूं कि किस तरह से इंडक्शन से चार्जिंग किया जा सकता है। ऐसे मान लेते हैं कि ये एक न्यूट्रल बॉडी है, है ना, ये न्यूट्रल बॉडी है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर जितने पॉजिटिव चार्जेज होंगे उतने ही निगेटिव चार्जेज होंगे। अब मैं क्या करता हूं कि इस न्यूट्रल बॉडी के सामने कोई पॉजिटिव चार्ज ले आता हूं, है ना। अगर मैं यहां पर प्लस क्यू चार्ज यहां पर ले आया इसके सामने, तो होगा क्या कि इसमें जो पॉजिटिव चार्जेज होंगे वो रिपेल होकर के दूर चले जाएंगे और निगेटिव चार्जेज अट्रैक्ट होकर के पास में आ जाएंगे। तो इधर जो है निगेटिव चार्ज आ जाएंगे और इधर पॉजिटिव चार्जेज आ जाएंगे, ठीक है। अब जो है आप देख सकते हैं कि चूंकि ये बॉडी पहले से न्यूट्रल था, तो इंडक्शन के कारण से जितना पॉजिटिव चार्ज आया होगा उतना ही निगेटिव चार्ज आया होगा, लेकिन अभी भी मतलब कि टोटल जो है इस पर चार्ज है जीरो। अगर मैं ऐसा करूं कि इसको यहां पर अर्थिंग कर देता हूं, ठीक है, तो अर्थिंग करने से क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस पॉजिटिव चार्ज से रिपेल होकर के और दूर जाना चाहता है ना, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज जो है ग्राउंड में चला जाएगा। तो इसके बाद क्या बचेगा कि अर्थिंग करने से ये जो है यहां निगेटिव चार्ज रह गया और ये पॉजिटिव चार्ज हमने पास में इसके यहां पर रखा हुआ, पॉजिटिव चार्ज जो है ग्राउंड के अंदर चला गया। एक्चुअली में पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है, है ना, सिर्फ निगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज से जाने का मतलब यह हुआ कि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन यहां से इधर आ गए होंगे और ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिए होंगे, ठीक है। तो उसको मैं ये भी कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन इधर से आकर के इनको न्यूट्रलाइज कर दिए होंगे, या मैं ये कह सकता हूं कि ये पॉजिटिव चार्ज अंदर चले गए, एक ही बात है दोनों, है ना। तो यहां पर निगेटिव चार्ज आ गया, अब मैं क्या करता हूं कि यहां से पहले तो ये अर्थिंग हटा देता हूं, ये अर्थिंग हटा दूंगा, तो यहां पर निगेटिव चार्ज था और ये फिर चार्ज भी हटा देता हूं, तो ये जो निगेटिव चार्ज इस साइड में था वो निगेटिव चार्ज जो है यूनिफॉर्मली इस बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब इस बॉडी पर देखेंगे कि चार्ज आ गया, पहले कोई चार्ज नहीं था, अब जो है
इस पर चार्ज आ गया। तो इस तरह से इंडक्शन के थ्रू हमने इस बॉडी को चार्ज कर दिया, पहले न्यूट्रल था ये, ठीक। उसी तरह से एक और तरीका होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, मतलब एक ऑब्जेक्ट जो है इस पर प्लस क्यू चार्ज है, दूसरा जो ऑब्जेक्ट है ये न्यूट्रल है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ देता हूं। ये प्लस क्यू है ना, मतलब ये कहें कि ये ए था और ये बी था, ये ए है और ये बी है, इनको वायर से जोड़ दिया हमने, ठीक है। तो मैं क्यू हटा देता हूं, मान लिया प्लस प्लस चार था इस पर ऐसे, ठीक है। अब प्लस चार था इस पर, तो अब चूंकि मैंने कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया तो कुछ पॉजिटिव चार्ज इसमें से फ्लो होकर के इसमें चला जाएगा, है ना। तो कुछ पॉजिटिव चार्ज इसमें भी आ गए। अब मैं क्या करता हूं कि ये जो वायर है इसको रिमूव कर देता हूं, तो है ना ये ए है ये बी है, मतलब पॉजिटिव चार्ज दोनों पर आ गए। इस पर से थोड़े से कम, इस पर ज्यादा था पहले, अब थोड़े से कम हो गए होंगे क्योंकि कुछ चार्ज जो है उस पर चले गए। तो अब मैंने चूंकि बीच में का वायर हटा दिया और ये पहले न्यूट्रल था, अब ये चार्ज्ड बॉडी हो गया, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। इस पर तो खैर पहले से ही चार्ज था। तो इस तरह से जो चार्जिंग हुआ इसको हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन, इस प्रोसेस को कंडक्शन कहा जाता है। मतलब किसी वायर के थ्रू चार्ज को फ्लो करा करके या दोनों बॉडी को टच करा करके एक से दूसरे में जब ट्रांसफर किया जाता है चार्ज को, तो उसको कहते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन। अगला मेथड है चार्जिंग बाई थर्मल इमिशन। थर्मल इमिशन का मतलब यह हुआ कि जो बॉडी है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, खूब ज्यादा उसको हीट एनर्जी देते हैं। तो बहुत ज्यादा हीट एनर्जी जो जाएगा वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स को भी मिलेगा, इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगा तो क्या होगा, वो एटम से बाहर आ जाएंगे। जब एटम से बाहर आएंगे, मटेरियल से बाहर आ जाएंगे, इसका मतलब तो ये हुआ कि उस बॉडी में निगेटिव चार्ज की कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी, तो पॉजिटिव चार्ज उसमें बढ़ जाएगा। यानी पहले जो चार्जेज बैलेंस थे, पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेज बैलेंस थे, उसमें से निगेटिव चार्ज अब कहीं बाहर चला गया है कुछ, तो अब कुछ निगेटिव चार्जेज की कमी हो गई, यानी उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जो बॉडी पहले न्यूट्रल हुआ करता था अब वो चार्ज हो गया, क्यों, क्योंकि हमने हीट एनर्जी दे करके उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को बाहर हटा दिया है, ठीक है। तो इस तरह से थर्मल इमिशन से चार्जिंग होता है। अगला मेथड है फील्ड इमिशन, मतलब चार्जिंग बाई फील्ड इमिशन। फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। अगर किसी बॉडी पर जो है, हमें पता है कि कोई हर बॉडी जो होता है मटेरियल का बना होता है, तो उसके अंदर एटम्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ठीक है। जब इतना इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर बढ़ा दिया जाए, खूब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, उस बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पर कुछ फोर्स लगाएगा जो सरफेस पर होंगे, है ना। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हाई कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स पर लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो बहुत ज्यादा हाई होगा। इतना ज्यादा हाई कर दिया जाए उसको कि इलेक्ट्रॉन जो है बॉडी से बाहर आ जाए, तो उस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी हो जाएगी, यानी फिर से उस ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। जो न्यूट्रल था अब उसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी उसकी चार्जिंग हो गई। तो फील्ड इमिशन का जो प्रोसेस है वो ये है। अगला प्रोसेस है चार्जिंग बाई फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम आपने सुना होगा। उसमें क्या होता है, कोई मेटल टारगेट होता है जिस पर जो होता है हाई फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट कराया जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी का इंसिडेंट लाइट आएगा, सफिशियंट एनर्जी मिलेगी, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी लेकर के मेटल से बाहर चले जाते हैं, है ना। तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो जब बहुत ज्यादा एनर्जी आएगी और इलेक्ट्रॉन के लिए वो सफिशियंट एनर्जी होगी बाहर निकलने के लिए एटम से, मेटल से, तो वो एटम से या मेटल से बाहर जब आ जाएंगे तो उस मेटल के अंदर फिर से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कम हो गए। इलेक्ट्रॉन कम होने का मतलब निगेटिव चार्ज कम हो गया, यानी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, चार्जेज अनबैलेंस्ड हो गए, तो वो बॉडी जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा,
है ना। तो ये सारे प्रोसेसेज हैं जिनके थ्रू जो है किसी बॉडी को चार्ज किया जा सकता है, ठीक है। जो मटेरियल होता है वो बेसिकली तीन टाइप का होता है, कोई भी मटेरियल जो है वो तीन टाइप का होता है। एक होता है कंडक्टर, एक होता है सेमीकंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर, है ना। तो इस चैप्टर में हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पढ़ेंगे। इंसुलेटर को सिंपली नॉन कंडक्टर भी कह सकते हैं, है ना। कंडक्टर में होता क्या है कि कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मटेरियल के अंदर ट्रैवल करने के लिए फ्री होते हैं, है ना। इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच कैन मूव इनसाइड मटेरियल। इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर में क्या होता है, ऑल द चार्जेस इनसाइड नॉन कंडक्टर आर बॉन्डेड। बॉन्डेड होने का मतलब यह है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर वो चल नहीं सकते, पॉजिटिव चार्ज हो वो या निगेटिव चार्ज हो वो, सारे बॉन्डेड चार्जेज होते हैं इसके अंदर, वो चल नहीं सकते। सेमीकंडक्टर में भी वैसे बॉन्डेड ही होते हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जब थोड़ी सी एनर्जी सप्लाई कर दी जाती है, ठीक है, तो इसमें के अंदर कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मतलब कि कंडक्ट करने के लिए फ्री हो जाते हैं, है ना। इसमें दो तरह के चार्ज कैरियर होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, कुछ होल्स भी होते हैं, तो उनके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर चैप्टर में। बस ये समझना है कि सेमीकंडक्टर जो है इन दोनों से डिफरेंट है, इसमें थोड़ी सी एनर्जी सप्लाई करा करके इसको कंडक्टर जैसा काम लिया जा सकता है। ये जो है नॉन कंडक्टर है, इसको कंडक्टर जैसा यूज नहीं कर सकते हैं। और कंडक्टर जो है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मटेरियल के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं और उनके ट्रैवल करने की वजह से ही करंट फ्लो करता है, ठीक है। अभी तक इस चैप्टर में हमने चार्ज का डिफिनेशन पढ़ा और किसी बॉडी पर चार्जेज किस तरह से आते हैं यह भी हमने समझ लिया, लेकिन जब तक चार्जेज की प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग नहीं समझते तब तक किसी चार्ज को अच्छी तरह से हम लोग नहीं समझ पाएंगे, और इसलिए हम लोग एक एक करके चार्ज की जो प्रॉपर्टी होती है उसको समझेंगे। आप देखेंगे यहां पर मैंने कई सारे प्रॉपर्टीज को मेंशन किया हुआ है, जिसमें से जो सबसे पहले प्रॉपर्टी बताई गई है वो ये है, लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। ये हम सब जानते हैं कि सेम नेचर के जो चार्जेज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट नेचर के जो चार्जेज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो ये तो हो गई पहली प्रॉपर्टी, बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है, हम सबको पहले से पता है। दूसरी प्रॉपर्टी है वो ये कहता है, चार्जेज हैज एडिटिव नेचर। एडिटिव नेचर का मतलब ये हुआ कि किसी ऑब्जेक्ट पर अगर कई सारे चार्जेज हैं तो टोटल चार्ज निकालने के लिए हम लोग सारे चार्जेज को ऐड करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है और इस पर चार्जेज हैं Q1, Q2, Q3, Q4, तो अगर हमें इस ऑब्जेक्ट पर टोटल चार्ज निकालना होगा तो क्या करेंगे, ये सारे चार्जेज को ऐड करेंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, इस तरह से टोटल चार्ज निकाला जा सकता है। और इसी कारण से कहा जाता है कि जो चार्जेज हैं वो एडिटिव नेचर के होते हैं। अगर कोई चार्ज इसमें से निगेटिव है तो उसको निगेटिव साइन के साथ में यहां पर रखा जाएगा। मान लेते हैं कि जो Q3 है वो -6 कूलम है, तो इसकी जगह पर -6 कूलम रखा जाएगा, ये ध्यान रखना है। मतलब चार्जेज को पॉजिटिव निगेटिव साइन के साथ में इस इक्वेशन में रखना है, एल्जेब्रिक सम निकालेंगे तब जाकर के
टोटल चार्ज आएगा। अगली प्रॉपर्टी है, इसमें कहा गया है चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व, है ना। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर कुछ चार्जेज हैं तो चार्ज जो है उस बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर किए जा सकते हैं, उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता या नए चार्जेज क्रिएट नहीं किए जा सकते, है ना। तो इसका मतलब यह है, इसको मैं लिख देता हूं यहां पर, चार्जेज कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड, उनको क्रिएट भी नहीं किया जा सकता, उनको डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। मतलब एक सिस्टम की बात करें, हो सकता है एक सिस्टम में जो है दो ऑब्जेक्ट हैं, उनको एक तार से जोड़ दिया गया है, है ना। तो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जो चार्ज है वो जा सकता है, अगर उनको सिस्टम मान लिया जाए, या दूसरे से पहले में आ सकता है। लेकिन अगर दोनों को जोड़ करके टोटल चार्ज देखेंगे तो हमेशा जो है वो उतना ही रहता है, चार्ज को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगली जो प्रॉपर्टी है वो ये है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, है ना। तो क्वांटाइज्ड का जस्ट मतलब ये हुआ कि जो कोई भी चार्ज होता है, किसी ऑब्जेक्ट पर कोई भी चार्ज होता है, वो एक स्मॉलेस्ट चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, है ना। कहते हैं चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। मतलब इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहा गया है यहां पर। तो किसी बॉडी पर अगर टोटल चार्ज q है तो उसको मैं लिख सकता हूं n इंटू ई, जहां पर n जो है ये इंटीजर है, है ना। और इसीलिए कहा गया कि जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, n जो है कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, है ना। हालांकि नए कुछ डिस्कवरीज हुई हैं जिसमें क्वार्क्स नाम के पार्टिकल्स डिस्कवर किए गए हैं। क्वार्क्स जो होते हैं उन पर चार्जेज होते हैं प्लस माइनस ई बाई थ्री, प्लस माइनस टू ई बाई थ्री, लेकिन ये जो चार्जेज हैं ये स्टेबल नहीं होते, इसलिए हम लोग इनको काउंट नहीं करते, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है कि कोई भी चार्ज होगा वो ई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ई का मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरियंट। रिलेटिविस्टिकली इनवेरियंट होने का मतलब यह हुआ कि जब चार्ज बॉडी अगर मोशन में होगा तो उसका चार्ज वेरी नहीं करेगा, है ना। इस ये मतलब हुआ चार्ज इज इनवेरियंट का। जैसे मास के बारे में क्या कहा जाता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसका रिलेटिव मास जो है वो बढ़ रहा होता है, जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी उसका रिलेटिव मास बढ़ेगा। आइंस्टाइन ने एक फॉर्मूला बताया था रिलेटिव मास का, है ना। ये रिलेटिव मास है और ये है उसका रेस्ट मास। हम लोग जो भी मास मेजर करते हैं, जो बैलेंस मेजर करते हैं, वो एक्चुअली में रेस्ट मास होता है। हम लोग ये मानकर चलते हैं कि ये रेस्ट पर है तो इसका इतना मास है, तो ये रेस्ट मास हो गया, रेस्ट मास ये है, और नीचे आएगा अंडर रूट वन माइनस वी बाई सी का होल स्क्वायर। वी क्या है, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है और सी लाइट का स्पीड है, है ना। वी ऑब्जेक्ट का स्पीड और सी लाइट का स्पीड। तो अब देख सकते हैं कि इस फॉर्मूले से क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का स्पीड वी बढ़ेगा, वी बढ़ने से क्या होगा, ये टर्म बढ़ेगा, ये टर्म बढ़ेगा तो ये पूरा टर्म घटेगा, यानी डिनोमिनेटर घटेगा, डिनोमिनेटर घटेगा तो पूरा टर्म जो है वो बढ़ेगा, यानी ये रिलेटिव मास बढ़ेगा, है ना। तो आइंस्टाइन ये फॉर्मूला बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती है तो उसका रिलेटिव मास जो है वो भी बढ़ता है। लेकिन चार्ज के बारे में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ऐसा कोई फॉर्मूला उसने बताया भी नहीं, है ना, कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ेगा तो उसका चार्ज बढ़ेगा, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है।
है ना, इसलिए कहते हैं कि जो चार्ज होता है वो इनवेरिएंट होता है और मोशन पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अगली जो प्रॉपर्टी है वो ये कहता है रिपल्शन इज ट्रू टेस्ट ऑफ चार्ज, है ना। अगर दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं, ये कन्फर्म नहीं कर सकते, है ना, सर्टेनली नहीं कर सकते कि दोनों पर चार्ज है, लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो सर्टेनली दोनों पर चार्ज है ना। कहने का मतलब ये है, मैं फिर से इस प्रॉपर्टी को समझाता हूं कि अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो सर्टेनली हम लोग ये नहीं कह सकते, कंफर्म होकर के ये नहीं कह सकते कि दोनों पर चार्ज है। हो सकता है एक पर चार्ज हो और एक न्यूट्रल हो, है ना, न्यूट्रल बॉडी अट्रैक्ट कर सकता है किसी चार्ज बॉडी को, ठीक है। लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि दोनों पर ही चार्ज है, हम सर्टेनली कह सकते हैं कि दोनों पर चार्ज है, है ना। अब कोई न्यूट्रल बॉडी कैसे अट्रैक्ट करता है किसी भी चार्ज बॉडी को, ये हम लोग देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई मेटल है, है ना, ये मेटल का एक ऑब्जेक्ट है जो कि न्यूट्रल है, तो हमें पता है कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज भी है निगेटिव चार्ज भी है, टोटल जो है वो जीरो है, है ना। न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ कि चार्जेस तो हैं लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस इक्वल अमाउंट में है, इसलिए इसको न्यूट्रल कह रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग अगर कोई पॉजिटिव चार्ज इसके पास में ले जाते हैं तो इसमें मैंने कहा कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों हैं, पॉजिटिव चार्ज तो चलता नहीं है, प्रोटॉन तो फिक्स रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मेटल के अंदर चलने के लिए फ्री होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होंगे, वो आकर के इस किनारे लग जाएंगे सारे, है ना, निगेटिव चार्ज इधर आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएंगे। अब देखेंगे कि ये निगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, है ना, और ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहे होंगे, लेकिन क्योंकि ये निगेटिव और पॉजिटिव के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम है, ये पास में है और ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज दूर है, है ना, इन दोनों की वैल्यू बराबर है, उसके बावजूद दोनों चार्ज का वैल्यू बराबर है लेकिन इनके बीच का डिस्टेंस कम है, इसलिए इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो ज्यादा होगा, इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स थोड़ा सा कम होगा, तो नेट फोर्स अगर देखेंगे इन दोनों के बीच में तो अट्रैक्टिव नेचर का होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो मैं सर्टेनली नहीं कह सकता कि इन दोनों पर चार्ज है, हो सकता है एक न्यूट्रल हो, लेकिन अगर दो बॉडी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो मैं सर्टेनली कह सकता हूं कि दोनों पर ही चार्ज है, है ना। इसीलिए कहा गया है कि रिपल्शन इज ट्रू टेस्ट ऑफ चार्ज, अगर रिपल्शन हो रहा है तो सर्टेनली ये कहा जा सकता है कि दोनों पर चार्ज प्रेजेंट है, ठीक। इसके बाद इस चैप्टर में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लॉ होता है कूलम्स लॉ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये जो लॉ है ये दो पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होता है, कह सकते हैं दिस लॉ इज एक्सपेरिमेंटल लॉ। एक टॉर्सन बैलेंस का एक्सपेरिमेंट था जो कूलम ने किया था और उससे इस फोर्स की वैल्यू निकाली थी दो चार्ज के बीच में, और ये लॉ को जो है उसने वेरीफाई किया था। दिस लॉ इज एक्सपेरिमेंटल लॉ एंड वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, है ना। उसने कहा कि अगर दो पॉइंट चार्ज हैं, जैसे एक पॉइंट चार्ज ये हो गया Q1, दूसरा पॉइंट चार्ज हो गया Q2, इनके बीच में सेपरेशन है R, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस F is directly proportional to product of two charges and inversely proportional to square of separation between the two charges. अगर इन दोनों लॉज को मिला दिया जाए तो आएगा F is equal to K
q1 q2 by r square. इसको ऐसे लिख सकते हैं, जहां पर k जो है ये होता है 1 by 4 pi epsilon naught और इसकी वैल्यू होती है 9 into 10 to the power 9, SI यूनिट में है जो भी है. एप्सिलॉन नॉट जो है इसको कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, जिसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 एसआई यूनिट में इतना होता है. ठीक है, अगर इसी फॉर्मूले को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो ऐसे कुछ लिख सकता हूं, जैसे सपोज ये अपना एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, है ना. एक चार्ज है Q1 यहां पर, दूसरा चार्ज है Q2 यहां पर, है ना. तो Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है ये है R1, Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है ये है R2, है ना. और हम लोग मान लेते हैं कि इसके कारण से उस पर फोर्स निकाल रहे, हालांकि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है दोनों पर बराबर होता है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट होता है, है ना. अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो इस पर उधर लगेगा, इस पर उधर, मतलब डायरेक्शन जो फोर्स का है वो अपोजिट होता है हमेशा दोनों पर. तो ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा R2 माइनस R1. इसको हम लोग लिख सकते हैं, सिंबल दे सकते हैं R21, है ना. तो अगर मुझे फोर्स निकालना हो, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 अगर निकालना हो, मतलब इस पर फोर्स निकालना है इसके कारण से, तो मैं इसको सिंबल देता हूं F21 और इसको लिखूंगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 इंटू R21 के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, इधर एक यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, और डिवाइडेड बाई R21 का जो मॉड है, जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर कर लेंगे, है ना. अब यहां पर ये जो R21 है ये हो गया, इसकी वैल्यू होती है R21 वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है तो क्या करेंगे, जो R21 वेक्टर है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, है ना. तो उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकल जाएगा. तो यहां पर जो है एक यूनिट वेक्टर आ गया उस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन बताएगा, मतलब इस पर फोर्स निकाल लेंगे तो R21 के डायरेक्शन में आएगा. ठीक है, अब हो सकता है कि इनमें से कोई चार्ज निगेटिव हो सकता है कोई पॉजिटिव हो, तो निगेटिव पॉजिटिव साइन के साथ में इसमें रखेंगे. ठीक है, और उसके बाद में हम देखेंगे कि इसका जो डायरेक्शन है इसके डायरेक्शन के पैरेलल आता है या अपोजिट आता है. अगर ये दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव हुए तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव में आएगा. पॉजिटिव आने का मतलब ये हुआ कि फोर्स का डायरेक्शन R21 की तरफ हुआ. अगर इन दोनों में से कोई एक निगेटिव कोई एक पॉजिटिव है ना, तो ये निगेटिव टर्म आएगा. निगेटिव आने का मतलब इसका जो डायरेक्शन है फोर्स का वो R21 के उल्टा आना चाहिए, क्योंकि अट्रैक्टिव नेचर तब हो जाएगा, है ना. तो इस तरह से डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं. बाकी मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सिर्फ ये वाला पोर्शन ही काफी है, इसी पोर्शन को हमने यहां पर लिखा होगा. ठीक है, ये R क्या हो गया, दोनों के बीच का सेपरेशन हो गया. ये R21 भी एक्चुअली में दोनों के बीच का सेपरेशन ही है, जिसका कि यहां पर मैग्नीट्यूड हमने रखा हुआ है और ये डायरेक्शन बता रहा है. ठीक है, अभी जो हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा उससे रिलेटेड दो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए गए हैं, वो दोनों ही एग्जाम्पल हम लोग यहां पर सोल्व करेंगे. वो दोनों एग्जाम्पल मैंने पहले से लिखा हुआ है तो एक एक करके दोनों को सोल्व करते हैं. जो पहला एग्जाम्पल है इसमें कहा गया है चार्ज्ड मेटालिक स्फेयर ए इज सस्पेंडेड बाई नायलन थ्रेड. नायलन थ्रेड कहने का मतलब यह है कि यह इंसुलेटिंग मेटेरियल का बना हुआ है ना. जैसे मान लेते हैं कि एक ये नायलन थ्रेड है और इससे एक स्फेयर ए जो है इसको लटका दिया गया है. इस पर चार्ज मान लिया क्यू है,
इसके आगे कहा गया अनदर चार्ज मेटालिक स्फेयर बी कैरिड बाई एन इंसुलेटिंग हैंडल इज ब्राउट क्लोज टू ए टू अ डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर बिटवीन देयर सेंटर्स. मतलब एक दूसरा स्फेयर है ना, ये दूसरा स्फेयर पर चार्ज मान लिया कि ये क्यू डैश है, ठीक है, इस पर चार्ज मान लिया क्यू डैश या कैपिटल क्यू ले लेते हैं, कैपिटल क्यू है, ये स्फेयर बी है, इसमें एक इंसुलेटिंग मटेरियल का हैंडल बना हुआ है, तो इसको पकड़ करके पास में लाते हैं. दोनों का, दोनों स्फेयर का जो सेंटर है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यहां पर 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक. और कहा गया द रिजल्टिंग रिपल्शन इज नोटेड. अब दोनों के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा उसको मेजर कर लिया गया. मान लेते हैं कि जो फोर्स है वो है एफ वन या एफ, ठीक है, तो एफ की वैल्यू निकालेंगे हम लोग के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई जो 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, ये 9/100 ऐसा यूनिट में कर देते हैं होल स्क्वायर. इतना फोर्स जो है दोनों के बीच में अभी लग रहा होगा, है ना. उसके बाद कहा गया कि स्फेयर ए एंड बी आर टच्ड बाई अनचार्ज स्फेयर्स सी एंड डी रेस्पेक्टिवली. मतलब इसके कॉन्टेक्ट में एक दूसरा स्फेयर लाया गया है, ठीक है, ये है सी, और इसके कॉन्टेक्ट में एक दूसरा लाया गया, ये है डी. आगे ये भी बताया गया है कि सी का जो साइज है वो ए के इक्वल है और डी का साइज जो है वो बी के इक्वल है ना. आगे आप देखेंगे यहां लिखा हुआ है सी एंड डी आर रिमूव्ड. पहले तो कॉन्टेक्ट में लाया गया, कॉन्टेक्ट में लाने के बाद उनको रिमूव कर दिया गया है ना. सी एंड डी आर रिमूव्ड एंड बी इज ब्राउट क्लोज टू ए टू अ डिस्टेंस ऑफ 4.5 सेंटीमीटर. मतलब पहले तो इनको कॉन्टेक्ट में लाया गया, कॉन्टेक्ट में लाने के बाद सी और डी को हटाया गया, ठीक है, फिर ये दोनों जो स्फेयर्स थे इनको फिर से पास में लाया गया, है ना. जैसे ये ए है और ये बी हो गया, है ना, ये बी है, इन दोनों को फिर से पास लाया गया. इस बार सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है ये 4.5 सेंटीमीटर दिया गया है बिटवीन देयर सेंटर्स, है ना. डिस्टेंस ऑफ 4.5 सेंटीमीटर बिटवीन देयर सेंटर्स. इसके आगे कहा गया व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिपल्सिव फोर्स इफ ए एंड सी हैव आइडेंटिकल साइज. जो मैं बता रहा था ए और सी का साइज इक्वल है, ऑल्सो बी एंड डी हैव आइडेंटिकल साइज, बी और डी का साइज आइडेंटिकल है, ठीक है. तो आप ध्यान देंगे कि अगर इन दोनों का साइज इक्वल है तो कॉन्टेक्ट में लाने से क्या होगा कि जो चार्ज है वो आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना. आधा चार्ज इसमें से इसके ऊपर चला गया होगा, यानी इस पर q बाई टू रह गया होगा, इस पर q बाई टू रह गया होगा. उसी तरह से ये और ये जो है दोनों सेम साइज के हैं, तो इनको कॉन्टेक्ट में लाने से ये चार्ज भी आधा आधा दोनों पर चला गया होगा, यहां q बाई टू और यहां q बाई टू, ठीक है. तो कॉन्टेक्ट में लाने से चार्ज आधा आधा हो गया होगा. अब हमने क्या किया है कि सी को रिमूव कर दिया और डी को रिमूव कर दिया है, अब सिर्फ ए और बी रह गए यहां पर. तो ए पर चार्ज रह गया है क्यू बाई टू और बी पर चार्ज रह गया है कैपिटल क्यू बाई टू, ठीक. तो इनके बीच में जो है एक्सपेक्टेड रिपल्सिव फोर्स पूछा गया है. तो इनके बीच में अगर हम लोग फोर्स निकालने मान लेते हैं कि एफ डैश है, तो आएगा के, चार्ज है क्यू बाई टू दूसरे पर कैपिटल क्यू बाई टू डिवाइडेड बाई सेपरेशन है 4.5 डिवाइड 4.5 बाई 100, इसको भी मीटर में कर देंगे, का होल स्क्वायर, ठीक है. अब आप देखें इस फोर्स को और इस फोर्स को कंपेयर करेंगे, है ना. तो यहां पर क्या आएगा, इसको मैं लिख सकता हूं के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई 4 यहां ला दिया मैंने, है ना. और 4.5 को मैं 9/2 भी लिख सकता हूं, है ना, 9
ये 9 सेंटीमीटर था, इसका जस्ट ये आधा है 9/2, और चूंकि उसका होल स्क्वायर है तो इसको मैं लिख सकता हूं यहां पर, ये जो टर्म है इसको मैं लिख सकता हूं 9/100 का होल स्क्वायर, चूंकि यहां पर 4.5 की जगह पर 9/2 आना था, उसका होल स्क्वायर है तो यहां पर आ जाएगा 1/4, होल स्क्वायर से बाहर निकालेंगे तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया। तो आप देखेंगे कि ये जो एफ फोर्स था और ये जो एफ डैश फोर्स आया है ये दोनों इक्वल आ गए। तो ये कह सकते हैं कि शुरू में ए और बी के बीच में जो फोर्स लग रहा था रिपल्सिव फोर्स, उतना ही फोर्स अभी भी लग रहा होगा, है ना, क्योंकि चार्जेस भी आधा आधा हो गए और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो भी आधा आधा हो गया, तो फोर्स जो है वो पहले जितना ही रह गया। अब आते हैं अगले एग्जाम्पल में। अगला एग्जाम्पल कहा गया है कूलम्स लॉ फॉर टू पॉइंट चार्ज, मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ते हैं उसकी बात कर रहा है, एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉर टू पॉइंट मासेज, बोथ हैव इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज एंड और मासेज, है ना। कूलम्स लॉ में भी जो फोर्स होता है वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स वाला लॉ है उसमें भी आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों में कह रहा है कि आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पूछा गया है कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेज बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड फॉर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम, मतलब एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन लेना है, दूसरा ऑब्जेक्ट प्रोटॉन लेना है, है ना। तो अगर हम लोग कूलम्स फोर्स की वैल्यू निकालेंगे, कूलम्स फोर्स की वैल्यू निकालेंगे तो होना चाहिए के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, ये लेना चाहिए। अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास भी मास होता है, प्रोटॉन के पास भी मास होता है, तो दो पॉइंट मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो हम लिखेंगे जी एम पी एम ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इनका रेशियो निकाले एफ सी डिवाइडेड बाई एफ जी, मतलब कूलम फोर्स बाई कूलम्स फोर्स और ये ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेशियो है, है ना, वो निकालेंगे तो यहां आएगा के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और यहां पर क्या है, ये है जी एम पी एम ई बाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हो गया के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम पी एम ई, है ना। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में एक्चुअली मैं जी के ई एम पी एम ई का वैल्यू नहीं दिया हुआ था, मैंने ये लिखा हुआ है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू हम लोग यूज करते हैं वो मैंने लिया है। तो ये सारे वैल्यू जिसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना, के की वैल्यू रखते हैं 9×10⁻⁹, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो इतना कूलम होता है 1.6×10⁻¹, सारे एसआई यूनिट में वैल्यू रखेंगे, इसका स्क्वायर करना है, है ना, डिवाइडेड बाय जी का वैल्यू ये होता है 6.67×10⁻¹, फिर मास ऑफ प्रोटॉन ये होता है 1.67×10⁻²⁷, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, ये प्रोटॉन का मास हो गया, इलेक्ट्रॉन का मास हो गया 9.1×10⁻³⁹, है ना, −31 kg, ये आगे। अब जब ये सारे वैल्यू रख करके आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2.27×10⁻⁶ आएगा, माइनस नहीं आएगा, है ना, क्योंकि नीचे निगेटिव वाले पावर ज्यादा है, ऊपर जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, ये आ गया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कूलम फोर्स, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से काफी बड़ा है, 2.27×10⁻¹⁹, है ना, इतना टाइम्स बड़ा है ना।
मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, ये कंपेयर करने के लिए बोला गया था, है ना।